वक्त आ गया भैया, अब हमें असल में बड़ा होना पड़ेगा। नाबालिग अपराध, ये एक पाकिस्तानी तीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जियो सिनेमा पर रिलीज हुई। और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूँ और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर कैसा एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे 90s का दौर है और दो भाई मजर और फकर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वक्त से पहले जवान होना यानी बड़े होना चाहते हैं। और इन दोनों भाइयों की वक्त से पहले जवान होने की चाहत इनको एक के बाद एक मुश्किलों में फंसाती चली जाती है। तो आखिर ये दोनों भाई किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा, तो देखो आप लोगों को भी 90s के दौर की फिल्में देखना पसंद आती है तो फिर इस फिल्म में काफ़ी कुछ ऐसा है जिससे आप अपने आप को रिलेट कर सकेंगे। फिल्म में नॉस्टैल्जिक फीलिंग को काफ़ी अच्छे से बनाकर रखा गया है, लेकिन सिर्फ यही होना काफ़ी नहीं होता। फिल्म को एंजॉय करने के लिए फिल्म की कहानी और करेक्टर्स में भी दम होना चाहिए। कहानी फिल्म की बहुत ही सिंपल सी है और कहने को तो ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन ना तो फिल्म की सिचुएशनल कॉमेडी फनी है और ना ही करेक्टर्स के बीच की कॉन्वर्जेशंस और इंटरेक्शंस फनी है। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स फिल्म में ज़रूर हैं जहाँ आपको थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी, लेकिन उसके अलावा ये फिल्म एक फ्लैट वे में आगे बढ़ती चली जाती है और एक टाइम के बाद तो आपको फिल्म की लेंथ भी फील होना शुरू हो जाएगी। बाकी करेक्टर्स वर्क भी फिल्म में सरफेस लेवल तक ही रखा गया है। दोनों मेन करेक्टर्स मजर और फकर दोनों की ही एक ही जैसी पर्सनैलिटी है, इसलिए इनके बीच की बातें हम इंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ तक के दोनों ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी रखती है क्योंकि वो दोनों एक ही तरह का करेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। मेरी नज़र में इस फिल्म के क्रिएटर्स ने बहुत ही सेफ खेला है, वो चाहते तो इस फिल्म को और भी अच्छा बना सकते थे। ये फिल्म उन फिल्मों में से है जो बाहर से अच्छी लगती है लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो आपका सारा मूड खराब हो जाता है। इस फिल्म में एंटरटेनमेंट फैक्टर की बहुत कमी है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज और फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट ये फिल्म कुछ मोमेंट्स में आपको हंसाएगी, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म एक बिलो एवरेज एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को कॉमेडीज मूवीज देखना पसंद आती हैं और आपके पास कुछ और देखने के लिए नहीं है तो फिर आप अपनी लो एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म को चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस फिल्म को स्किप भी कर सकते हो। तो ओवरऑल देखते हुए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 6 out of 10। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज़ देखते रहने के लिए।